स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ जिसका यूज करके आप अपने गूगल फॉर्म में टाइमर को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आप अपनी क्विज को एक पर्टिकुलर टाइमर के थ्रू रन करवा सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टाइमर की हमें क्या जरूरत पड़ी, तो टाइमर की जो नीड है वो इसलिए है क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि आपकी जो क्विज है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एंड हो जाए ऑटोमेटिकली, जैसे कि आप बाकी अदर जो एप्लीकेशन होती हैं जिसपे क्विज होते हैं वहाँ पे आप देखते हैं कि जो क्विज होता है वो एक पर्टिकुलर टाइमर के साथ रन करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टिसिपेंट 10 मिनट के अंदर आपकी क्विज के आंसर कर दें, आप टाइमर का यूज करके इस गोल को अचीव कर सकते हैं कि आपकी जो क्विज है वो आफ्टर द 10 मिनट्स जो है वो क्लोज हो जाए, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाए और पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा टाइम ना मिले आपकी क्विज को एक्सेस करने के लिए। तो ये जो टाइमर प्लगइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गूगल क्विज में ऐसा कोई भी फीचर नहीं होता है, बट ये जो प्लगइन है इसका यूज़ करके आप अपने गूगल क्विज में टाइमर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये ट्यूटोरियल और मैं आपको बताता हूँ कि आप ये चीज़ कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर मेरा एक अकाउंट सेलेक्ट करा हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है गूगल फॉर्म्स। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिंक आ गई है गूगल फॉर्म की, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे गो टू गूगल फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि मेरे इस अकाउंट से गूगल फॉर्म की जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई भी एक क्विज को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्पलेट्स दी हुई हैं काफ़ी सारी, तो मैं यहाँ इस टेम्पलेट में से एक क्विज की टेम्पलेट को एक्सेस कर लेता हूँ। जैसे कि असेसमेंट शीट की टेम्पलेट है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ये जो असेसमेंट का जो गूगल फॉर्म है ये ओपन हो गया है। यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है टोटल पॉइंट्स 2, मतलब इसके अंदर जो क्वेश्चन है उनके कुछ मार्क्स हैं और ये फॉर्म जो है ये क्विज की तरह वर्क कर सकता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है और ये एड ऑन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है फॉर्म टाइमर, ये जो फर्स्ट वाला जो है एप्लीकेशन और प्लगइन इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कंटिन्यू पे क्लिक होने के बाद इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी, आपको अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ परमिशंस मांगेगा आपसे, आपको उसे अलाउ कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ गया है फॉर्म टाइमर हैज बीन इंस्टॉल्ड, आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो आपका प्लगइन है ये इंस्टॉल हो गया है। आपको अब क्या करना है, इस तरह का आइकन आपके फॉर्म के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फॉर्म टाइमर के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई देने लगे हैं। आपको सबसे पहले ओपन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हाउ लॉन्ग इन मिनट्स इज द टेस्ट मैक्स अलाउड 180 मिनट्स, मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि जो आपका टेस्ट है वो कितनी देर के लिए एक यूजर को या एक पार्टिसिपेंट्स को दिखेगा या कोई पार्टिसिपेंट्स उसको अटेम्प्ट कर सकता है कितनी देर तक, ये आपको मिनट्स में यहाँ पे मेंशन करना है। और मैक्सिमम अलाउड मिनट्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो 180 मिनट्स है। 180 मिनट्स का मतलब होता है 60 मिनट्स इन आवर, एक घंटे के अंदर आपके पास 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे के अकॉर्डिंग यहाँ पे 180 मिनट्स आपको दिए गए हैं, मतलब मैक्स आप 3 घंटे का टाइम सेट कर सकते हैं और कम से कम आप कितना भी रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप चाहते हैं कि जो आपकी क्विज है वो सिर्फ 20 मिनट की हो या 10 मिनट की हो या 5 मिनट की हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको जो है वो मीटिंग को सेट करके बताता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, यहाँ पे 1 इंसर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं, बट इसका एक लिमिटेशन ये है कि ये 200x200 का ही लोगो यहाँ पे आप दिखा पाएंगे। मतलब आप जो है, जैसे मैं यहाँ पे ये कोई इमेज को इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा, मैं यहाँ पे कोई बड़ी इमेज लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोई बड़ी इमेज लेता हूँ, जैसे कि बड़ी इमेज है
तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज आएगा, मैक्स इमेज साइज कैन बी ऑफ 500 × 200। मतलब रेक्टेंगल इमेज में आप 500 उसकी विड्थ और 200 उसकी हाइट दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज बनाई हुई है जो कि 200 × 200 की है, तो आप इस इमेज को ले सकते हैं। ये स्क्वायर साइज की इमेज है, तो मैंने यहाँ पे से ले लिया। ये इस तरह की इमेज यहाँ पे डिस्प्ले करने लग जाएगा। अब ये जो इमेज है ये कहाँ डिस्प्ले होगी मैं आपको बता दूँ, ये जो इमेज है ये क्विज स्टार्ट होने से पहले दिखाई देगी। ये मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगा कि क्विज जब स्टार्ट होता है तो कैसा दिखता है। इस इमेज के साथ में एक मैसेज भी वहाँ पे डिस्प्ले होगा, दिस इज एन ऑनलाइन टाइम्ड असेसमेंट, डू नॉट शेयर योर यूनिक लिंक विद अदर्स, प्लीज कॉन्टेक्ट द इंस्ट्रक्टर इन केस ऑफ इशूज, ऑल द बेस्ट। मतलब यहाँ पे आप एक कोई मैसेज अपना टाइप कर सकते हैं, टेस्ट इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट टाइप हेयर विल बी डिस्प्लेड इन वेलकम पेज। मतलब आप जो इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं टेस्ट शुरू होने के पहले वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक चीज ये है, क्योंकि इस प्लगइन के बाद क्या होगा, इस क्विज के ऊपर एक टाइमर सेट हो जाएगा, तो इस क्विज का जो है एक यूनिक आईडी हमेशा जनरेट होता है, तो वो जो यूनिक आईडी है वो लास्ट में क्विज में ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है, उसको चेंज नहीं करना होता है किसी भी पार्टिसिपेंट्स को। तो उससे रिलेटेड आप मैसेज यहाँ पर दे सकते हैं कि जो लास्ट जो फील्ड है उसको आपको चेंज नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली फिलअप होती है और वो एक यूनिक कोड रहता है हर एक पार्टिसिपेंट का जो इस क्विज को अटेम्प्ट करता है। और एक बार में आप 100 लोगों को ही इस क्विज को अटेम्प्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, वेलकम पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा दिखना चाहिए और टेक्स्ट कलर है वो कैसा दिखना चाहिए। मान लीजिए मैंने इसको एकदम ब्लैक कर लिया टेक्स्ट कलर को, तो मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है। तो कलर मैंने रेड कर दिया है, थोड़ा डार्क दे देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर मैंने व्हाइट कर लिया है। इस तरह से देखिए रेड हो गया है, यहाँ पे आपको देखिए ग्रीन, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया है, ये देखिए इस तरह से आपको जो वेलकम पेज का प्रीव्यू है वो ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे मैं इसे व्हाइट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसे व्हाइट कर दिया है। अब जैसे ही आपका टाइमर कंप्लीट हो जाए आफ्टर टाइम आउट, तो क्या होना चाहिए, टेस्ट कंटिन्यू होना चाहिए या एंड होना चाहिए। क्योंकि हमें टेस्ट को एंड करवाना है इसलिए हमने क्या कर दिया, एंड टेस्ट कर दिया है और इसे मैंने सेव कर दिया है। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि नीचे बॉटम में एक फील्ड जनरेट हो जाएगी जो कि यूनिक आईडी की फील्ड होती है। और अब इस फॉर्म को कैसे शेयर करना है अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए फॉर्म टाइमर यूनिक आइडेंटिफायर, ये एक यूनिक फील्ड जो है वो ऐड हो गई है। यहाँ पर मैसेज भी दिया हुआ है, दिस इज योर यूनिक आइडेंटिफायर, प्लीज डू नॉट मॉडिफाई दिस। तो पार्टिसिपेंट्स को इसको मॉडिफाई नहीं करना है। अब इसको शेयर करने के लिए दूसरा प्रोसेस है, आप फॉर्म टाइमर में वापस जाएंगे, वहाँ पर शेयर का बटन है, आप उसको क्लिक करेंगे। अभी ये लोड हो रही है, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है पीपल, सेकेंड ऑप्शन है गूगल ग्रुप, थर्ड ऑप्शन है शेयर लिंक। यहाँ पे आप पर्टिकुलर पीपल्स के इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, जितने लोगों के आपको ईमेल डालने हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई दी हुई है, एंटर ईमेल सेपरेटली बाय कॉमा, मैक्स लेंथ अलाउ इज 1000। मतलब आप 1000 कैरेक्टर्स आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, रिमेनिंग ईमेल कोटा इज 100। मतलब आप टोटल 100 लोगों को ये फॉर्म जो है वो आप भेज सकते हैं। तो एक छोटी सी लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि आप 100 लोगों तक ही भेज पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मुझे एक पर्सन को ये जो क्विज है वो अलॉट करनी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि मुझे ईमेल कैसे मिलेंगे, तो आप एक छोटी सी चीज़ कर सकते हैं कि आपको जिन पार्टिसिपेंट्स के साथ में क्विज करनी है उनको आप एक फॉर्म भेज दीजिए पहले, जिसमें वो अपना ईमेल एड्रेस फिलअप कर दें। तो आपको क्या होगा, सारे ईमेल्स जो हैं वो मिल जाएंगे इन अ CSV फॉर्मेट। CSV फॉर्मेट मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो होती है उस फॉर्मेट में, उस CSV फॉर्मेट में से आप सारे के सारे मेल्स यहाँ पर डायरेक्टली उठा सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली उनको शेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे उन सभी के मेल्स पे जो है वो लिंक जो है पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर टाइप करा एक ईमेल एड्रेस और मैंने यहाँ पर देखिए ये ईमेल एड्रेस लिखने पे 20 कैरेक्टर्स लगे हैं, तो 1000 कैरेक्टर्स आपके पास हैं। मैंने यहाँ पे इसे शेयर कर दिया।
जैसे आप देखिए, मैंने इसको यहाँ पे शेयर करा तो रिमेनिंग ईमेल कोटा 99, मतलब एक जो ईमेल का जो मेरे पास बैलेंस था वो मैंने यूज कर लिया है। अब मेरे पास 99 ईमेल्स और बचे हैं शेयर करने के लिए। ओके, तो अब मैं इसे क्लोज करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो क्विज है ये कैसे एक्सेस होगी। तो मैं इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो मेल है, जो मैसेज है, मुझे आएगा मेरे असेसमेंट के लिए, यू आर इन्वाइटेड टू द डॉक्यूमेंट असेसमेंट, दिस इज योर पर्सनल असेसमेंट लिंक, डोंट फॉरवर्ड इट टू एनीवन, प्रोसीड टू द असेसमेंट बाय क्लिकिंग द लिंक बिलो। ये एक्सेप्ट इन्विटेशन का जो बटन है यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है वो क्विज जो है वो ओपन हो जाएगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो आ गया है, यहाँ पे 1 मिनट का टाइमर आ गया है आपको बताने के लिए कि आपकी जो क्विज है वो 1 मिनट के लिए ही शेड्यूल्ड है, मतलब 1 मिनट के अंदर वो एंड हो जाएगी। दिस इज एन ऑनलाइन टाइम्ड असेसमेंट, डू नॉट शेयर योर यूनिक लिंक विद अदर्स, प्लीज कॉन्टेक्ट द इंस्ट्रक्टर इन केस ऑफ इश्यूज, ऑल द बेस्ट, गेट स्टार्टेड। तो जैसा हमने वहाँ पर सेटिंग करी थी यहाँ पे बिल्कुल वैसा आ गया है। अब मैं उसको गेट स्टार्टेड करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमर शुरू हो गया है, यहाँ पे असेसमेंट आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं ये असेसमेंट नहीं फिल करता हूँ, ठीक है, और ये टाइमर कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिक फील्ड ऑटोमेटिकली फिल हो गई, इसको आपको चेंज नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें एम्प्टी हैं जिनको आपको भरना है। तो ये टाइमर मैं चलने दूंगा और कोई भी एंट्री नहीं करूँगा। आप देख सकते हैं टाइमर खत्म हो गया है, द टेस्ट हैज टाइम्ड आउट, प्लीज कॉन्टेक्ट द गूगल फॉर्म क्रिएटर इफ दिस इज अ मिस्टेक। तो आपने देखा यहाँ पे टाइम खत्म हो गया, क्विज भी एंड हो गई है, अब आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसे बैक करता हूँ यहाँ से, चेंजेस यू मे नॉट बी सेव्ड, लीव कर दीजिए, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, वापस मैं एक्सेप्ट करके देखता हूँ इन्विटेशन को, शायद मैं एक्सेस कर सकता। यहाँ पे वापस गया, मैंने गेट स्टार्टेड करा। देखिए आपका जो वर्क था वो सक्सेसफुल हो गया है। तो देखिए दोस्तों, आप जो चाहते थे वो आपने अचीव कर लिया है, मतलब टाइम खत्म होने के बाद, टाइम लिमिट एक्सीड होने के बाद, टाइमर एंड होने के बाद जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो टेस्ट को नहीं दे सकते हैं, चाहे अब वो कितनी बार भी उस ईमेल के ऊपर वापस से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, बट वो उस क्विज को अब एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वापस से उस क्विज को नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइमर जो है वो एंड हो चुका है। मतलब आप चाहते थे कि जो टाइमर है अगर वो एंड हो जाए उसके बाद पार्टिसिपेंट्स क्विज को एक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि इट इज़ अ टाइमर बेस्ड क्विज, उनको दिए हुए टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, अगर वो नहीं करते हैं तो उनके जो मार्क्स हैं वो नहीं आएंगे। तो इस चीज़ में हम सक्सेस हो गए हैं, इस चीज़ को अचीव करने में हम सक्सेस हो गए हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारी क्विज थी उसके रिस्पॉन्सेज कैसे हमें दे देंगे। तो आपको प्लगइन के ऊपर जाना है, फोन टाइमर के ऊपर जाना है, वापस से ओपन रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे ओपन रिस्पॉन्सेज, क्लिकिंग अलाउ विल ओपन द शीट अटैच्ड टू द फॉर्म इन अ न्यू टैब, अलाउ कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको असेसमेंट मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी आ गई है, टाइम आ गया है, ओपन टाइम आ गया, सबमिशन टाइम नहीं आया क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एंड हो गई थी। ड्यूरेशन मिनट्स, यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है कितनी देर की आपकी क्विज थी। सबमिटेड यहाँ पे आ गया, एंड मतलब नहीं हुई है सबमिट। एक्चुअल टाइम स्पेंट 0, ओवर टाइम 0, टाइम स्पेंट 0, ओवर टाइम एन। ओवर टाइम तब होगा जब आपको याद है आपने एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करा था, एंड टेस्ट और कंटिन्यू टेस्ट। तो अगर कंटिन्यू टेस्ट वाला होगा तो ओवर टाइम यहाँ पे मेंशन होगा और एक्चुअल टाइम मेंशन होगा, जबकि अगर हम एंड टेस्ट कर देते हैं तो ओवर टाइम यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे चार्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली बन के आ जाएंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आपके अटेम्प्ट करते हैं इसको उनसे रिलेटेड यहाँ पे पूरा चार्ट बन के आ जाएगा। ये यूनिक लिंक
है, इसको आपको नहीं छेड़ना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जब लिंक के थ्रू आप कोई शेयर करते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को, तो वो जो यूनिक लिंक है वो यहाँ पे जनरेट होती है। तो ये जो शीट है इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपके जो काम की शीट है वो रिस्पॉन्सेज और चार्ट की शीट है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों कितना ईजी प्लग इन है, कितना छोटा और अच्छा प्लग इन है, जो आपके गूगल फॉर्म के ऊपर आपको टाइमर प्रोवाइड कर रहा है आपकी क्विजेस के लिए। इससे अच्छा और कुछ हो भी नहीं सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो, अगर आपको लगता है ट्यूटोरियल आपके काम का है, इस ट्यूटोरियल से आपको कोई बेनिफिट हुआ है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में, एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे एट होम।